हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमी और सोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, ठेकवा की रेसिपी जो कि बहुत ही फेमस है बिहार में। तो इस रेसिपी को तो हर कोई जानते हैं, बट मैं इसे कैसे बनाऊँगी वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं ये रेसिपी जो है वो मैं शुगर के साथ बना रही हूँ और ये मैं मैदे के साथ बना रही हूँ। यहाँ मैं आटा यूज़ नहीं की हूँ। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और खस्ता बना है। तो यहाँ पे मैं एक बाउल मैदा ली हूँ और यहाँ पे मैं 6 टेबलस्पून यहाँ पे मैं शुगर ली हूँ। मीठा आपके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना पसंद हो। और यहाँ पे मैं सूजी ली हूँ 5 टेबलस्पून और घी ली हूँ 3 टेबलस्पून। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुगर को यहाँ पे मैं मेल्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी ही यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे कोई हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है। तो जब तक शुगर मेल्ट हो जाए, यहाँ पे मैं मैदा ले ले रही हूँ एक बाउल में, साथ ही यहाँ पे मैं सूजी ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ पहले मैं। अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो दोनों हाथों से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। मोइन जितना अच्छा होगा ठीक वो उतना अच्छा खस्ता बनेगा। तो ये देखिए, ये आटा जो है वो रग भर रेडी है। देखिए ये टूट नहीं रहा है, मुट्ठी बंद रहा है। अब मैं इसमें सौंफ और इलायची पाउडर को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें, ये देखिए शुगर जो है आधा मेल्ट हो चुका है, मुझे इतना ही चाहिए शुगर जो है पूरा मेल्ट ना हो जाए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेना है। इसे आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंथना है। तो ये देखिए, इसे बस मैं मिक्स कर ले रही हूँ और बाकी जो शुगर सिरप था वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए ये मुट्ठी भी बंद रहा है अच्छे से और चिकना हो जा रहा है। तो अब मैं फिर से, अब इसमें मैं थोड़ा सा चॉप्ड कोकोनट ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसे पहले भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसे मैं मिक्स कर ली हूँ। अब इसे भी मैं राउंड शेप बना लूँगी। ये देखिए मुट्ठी बन रहा है कितने अच्छे से। तो ये देखिए एक बॉल से बना ली हूँ और यहाँ पे मैं एक नेट ली हूँ, तो इसके ऊपर मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। मेरे पास कोई सांचा नहीं है ठेकुआ बनाने का, तो इसलिए मैं इससे ही डिज़ाइन दे रही हूँ। आपके पास अगर साँचा हो तो आप उससे तैयार कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे डिज़ाइंस बन गए हैं। तो इसे मैं प्लेट पे रख ले रही हूँ, बाकी भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और मैं एक शेप बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबा डिज़ाइन दे रही हूँ। तो ये देखिए इसमें भी कितने अच्छे से डिज़ाइन आ गया है। तो सारे जो है वो मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल ली हूँ, तो आप चाहे तो इसे घी में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, बट मैं इसे रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ और ऑयल जो है मीडियम गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए मैं 1 by 1 इसमें फ्राई कर ले रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखिएगा। और इसके ऊपर इसे थोड़ा थोड़ा इस पे इस तरीके से तेल हल्का हल्का छिड़क देना है, तो बहुत अच्छे से और भी ये क्रिस्प बनेंगे। और ये देखिए ये एक साइड हो गया है। अब मैं इसे फिर पलट दे रही हूँ, तो इसे अच्छे से पलट पलट के इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही केयरफुली इसे टर्न कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी ठेकवा बनकर रेडी है। तो मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।